हाय फ्रेंड्स, आज हम सूप बनाने वाले हैं। आपको पता है आज हम सूप क्यों बनाने वाले हैं? क्योंकि ये सूप हमें कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि इस सूप में डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड है और प्लस नीम है और खुशबू देने के लिए रोज है। तो चलिए बिना समय गवाए हम ये सूप बनाना सीखते हैं। ये सूप बनाने में सबसे पहले हमें चाहिए डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड, कुछ नीम के पत्ते और कुछ ड्राइड रोज पेटल्स। ये पेटल्स जो गुलकंद बनाने में यूज होती है, मैंने इनका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने रेड फूड कलरिंग और प्लस ग्रीन फूड कलरिंग, इन दोनों फूड कलरिंग का यूज किया है। ये दोनों फूड कलरिंग लिक्विड फॉर्म में है। वुडन स्पून और ड्रॉपर, रोज एसेंस, ये मैंने केक बनाने में जो रोज एसेंस का यूज होता है इसका यूज किया है। मैंने फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम नीम के पत्तों की प्योरी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने नीम की प्योरी बना ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ इतना डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड इस प्योरी में ऐड कर रही हूँ। अब हम इससे अच्छी तरीके से स्टीयर कर लेंगे। इसे थोड़े फास्टली स्टीयर करना है। अब ये काम हो चुका है। अब हम सोप बेस को मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस सोप बेस को मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ये जो नीम की प्योरी बनाई थी उसे डाल देंगे। इसे हमें बहुत फास्टली स्टीयर करना है। और मैंने अब इसमें ग्रीन फूड कलरिंग डालना है। अब हम इसे जल्दी से मोल्ड में पोर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने और एक बार सोप बेस को मेल्ट कर लिया है। अब इसमें हम पास से गुलकंद का ये जो लीव्स है वो डाल लेंगे और रेड फूड कलरिंग। इसे हम बहुत जल्दी से स्टीयर कर लेंगे और जल्दी से जो पुराना सोप मोल्ड था इसमें प्योर कर लेंगे। ये होने के बाद ऑप्शनल स्टेप है ये ऊपर से गुलकंद लीव्स को डालना। अब हम इसे अच्छी तरीके से सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सोप कितनी अच्छी बन गई है। ये मोल्ड में से निकालने के बाद ऊपर से ग्रीन और पीछे से रेड।
ये सोप बहुत अच्छी है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। आई होप आप इसे स्मेल कर पाते, बट इट इज नॉट पॉसिबल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और हाँ फ्रेंड्स, अपने इस फ्रेंडशिप डे पर इस सोप को ज़रूर देना अपने बेस्ट फ्रेंड को, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।